हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंज आया है आपको लेकर। हम ये जानेंगे, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी जोड़ियाक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पे कि उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है आपको लेकर, यानी आपके पर्सन, आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंज आया है आपको लेकर, हम ये जानेंगे। ओके, काफ़ी कुछ उनके सामने रियलिटी आई है ऐसा लगता है। अब जो चीज़ें पहले उनकी आंखों के सामने थी लेकिन वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आया है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। ऑफ कोर्स वी हैव दिस कार्ड, ये कार्ड तो आना ही था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि जब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो हमको अब तक पता नहीं थी, ये बहुत सारे राज हमारे सामने खुल जाते हैं, तो डेफिनेटली एक टर्न आता है लाइफ में। ये उसी टर्न की बात हो रही है। लेट मी अरेंज देम जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो व्यूअर्स सबसे पहले यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग्स में ये चेंज आया है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स उनको बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में भी, और उनके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, यानी आपके पर्सन की लाइफ में उनके आसपास और लोग जो हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस इनको पता चले हैं, समझ में आए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी दिन से, काफ़ी समय से अकेले हैं, और उस अकेलेपन में उन्हें काफ़ी सारी सच्चाई सामने आई है। उस अकेलेपन में उनके सामने काफ़ी सारी रियलिटी आई है कि लोगों की असलियत क्या है और उनका दिल सच में क्या चाहता है। ऐसा लगता है व्यूअर्स के वो अपनी फीलिंग्स को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अपनी ही फीलिंग्स को डिनाई कर रहे थे, अपने ही प्यार को नकार रहे थे, झुटला रहे थे या झुटला रही थी। और ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, ये अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे थे, यानी कि उनको पता भी था कहीं ना कहीं कि उनका आपके साथ अटैचमेंट होता जा रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, बार बार इस चीज़ से दूर भाग रहे थे। लेकिन अब उन्होंने कुछ समय अकेले बिताया है आपके बिना, दूसरे लोगों के बिना, तो उनको अंदर से ही रियलाइज़ हुआ है व्यूअर्स कि उनके दिल को आपकी कितनी ज़रूरत है, वो आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं, कितनी नीड उन्हें फील होती है टू बी विद यू। कहीं ना कहीं वो अकेलापन जब उन्होंने बिताया, तब उन्हें पता लगा कि वो उस समय किसी और को नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ आपको चाह रहे हैं, आपकी प्रेजेंस चाह रहे हैं, आपको उस वक्त अपने साथ देखना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, उनका प्यार कितना जेन्युइन है ये जैसे उनको खुद भी नहीं पता था। जैसे वो समझ रहे थे कि ये एक टेम्परेरी फीलिंग है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये सिर्फ एक इन्फैचुएशन है, जैसे वो समझ रहे थे इन चीज़ों को। लेकिन ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर कि इस इंसान को अकेले रहकर या आपसे दूर रहकर या दुनिया से दूर होकर ये बात रियलाइज हो गई कि व्यूअर्स ये कोई अट्रैक्शन या टेम्परेरी फीलिंग नहीं है, सच्चा प्यार है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की है, और डीप थिंकिंग करके ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं दैट वो तो आपके साथ सच में खुश रह पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चाहे वो कितना भी ड्रामा करें, एक्टिंग करें कि ये नहीं है, वो सच नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन उनका दिल अंदर से जानता है, वो अपने आप को अंदर से जानते हैं कि कितना ज़्यादा उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस होती है। और कुछ उनके सामने लोगों की सच्चाई भी आ गई, क्योंकि जब वो आपसे दूर हुए तब उन्होंने लोगों का असली चेहरा देखा
कि सच में लोग कितना नेगेटिवली उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, सच में ऐसे लोग कितने ज़्यादा हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते और इसीलिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं, रुकावट डालते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, अगेंस्ट चले जाते हैं या कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें करते हैं इस बारे में, क्रिटिसाइज करते हैं और उनको ऐसे लोगों का असली चेहरा दिखा है। अब चाहे वो फ्रेंड्स में हैं, फैमिली में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, कहीं भी हैं ऐसे लोग, लेकिन उनको ऐसा दिखाई दिया है साफ साफ कि जो सो कॉल्ड वेल विशर्स हैं वो सच में कितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं आप दोनों के प्यार, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। ऐसा लगता है किसी और का नेगेटिव इंटेंशन इनके सामने आ गया है। जब ही आपसे दूर हुए तो लोगों ने और ज़्यादा इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया, लोगों ने और ज़्यादा इनसे बुराई की, गलत सलाह दी, कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर खींचा या इनको दूर और पुश किया कि ठीक है हाँ दूर रहो इस इंसान से, ये अच्छा नहीं है, आपको भी कोई प्यार नहीं है, आपको कोई बेटर मिल जाएगा, ये इंसान का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इस इंसान का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, तो एक्स वाई जेड करके आपके बारे में नेगेटिव बोला या कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये आपका सोलमेट नहीं है, ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है, इस तरह की बातें की, ये मैरिज मटेरियल नहीं है, ये कह सकते हैं यू नो एक्स वाई जेड जो भी आपके बारे में कहा हो सकता है, तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया आपके पर्सन को। और इस वजह से वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस तो हुए नहीं, उल्टा उनको ये बात समझ में आ गई कि वेलविशर एक्चुअल में कोई नहीं है, सब जो हैं वो कहीं ना कहीं जेलस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे हैं और आप दोनों को दूर करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं, यानी बहुत रुकावट डाल रहे हैं। उनको ये बात रियलाइज हुई है व्यूअर्स कि आप प्रॉब्लम नहीं हो, यू आर नॉट द प्रॉब्लम एंड इवन दे आर नॉट द प्रॉब्लम। उनको समझ में आया है कि ना गलती आपकी है व्यूअर्स, ना गलती उनकी खुद की है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे। ये जो कार्ड आया है यहीं पर ये बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए हैं जो ग्रोथ को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं और अब आपके पर्सन ने मन बना लिया है कि ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे, ऐसे लोगों से डिटैच हो जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और ऐसे लोगों से दूर रहेंगे थोड़ा, और अपने दिल की जो उन्होंने सुनी है अब वो अपने दिल की सुन के उसे एक्सेप्ट करके व्यूअर्स अब वो अपने प्यार के लिए जो जेन्युइनली करना चाहिए वो करेंगे। अकेले में वक्त बिताकर उन्हें आपकी ज़रूरत, आपकी प्रेजेंस, सब चीज़ की वैल्यू रियलाइज हो गई है, दूसरे लोगों का भी असली चेहरा सामने आया है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लगता है उनको लग रहा है और समझ में आ चुका है अब ये चेंज है उनके अंदर कि अब उन्हें लग रहा है कि मैंने सच में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, भागते भागते, डिनाई करते करते, ड्रामा करते करते, या दूसरों की नेगेटिव बातों से इन्फ्लुएंस होके या दूसरों के हर्डल्स की वजह से रुक के मैंने सच में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। इसीलिए व्यूअर्स ऐसा लगता है कि अब वो जल्द से जल्द आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। रिन्यूअल का कार्ड आया है, वही रिश्ता जो घिसा पिटा हो गया था या जहाँ पर उम्मीद टूट रही थी, जहाँ पर विश्वास टूट रहा था, अब वो वहीं से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू जर्नी जैसे आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे फूल खिल रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है, तो एक नयापन है उनकी फीलिंग्स में, एक नयापन है, एक फ्रेशनेस है, एक न्यूनेस है, जिससे पता लगता है कि व्यूअर्स वो कुछ नया चाह रहे हैं, एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। आइए अब और देखते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो आपको ना सभी नेगेटिविटी से, सारे नेगेटिव एनवायरनमेंट से, सारी नेगेटिव टॉक्सिक बातों से कहीं दूर छुपा के ले जाना चाहते हैं, लोगों की नज़रों से दूर, बुरी नज़रों से दूर, बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से दूर आपको ले जाना चाहते हैं, जैसे आपको कहीं किसी ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहाँ आपके साथ वो शांति से वक्त बिता पाए। ऐसा लगता है किसी झंझट से, किसी स्ट्रगल से, किसी सफरिंग से, किसी इशू से आपको दूर करना चाहते हैं। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे या आपको अपने पास बस छुपा के रखना चाहते हैं। एंड दे वॉन्ट टू टेक यू अवे फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, वो आपको सारी परेशानियों से दूर ले जाना चाहते हैं।
यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि दूसरे लोगों में और आप में उनके दिल ने आपको चुना है, इवन इफ देर वॉज अ चॉइस. वैसे तो कोई चॉइस की बात नहीं है, जहाँ प्यार होता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है. लेकिन फिर भी अगर इनके पास दो रास्ते थे, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को या किसी और सिचुएशन को चूज़ करते या आपको चूज़ करते, तो इनके दिल ने साफ साफ आपको चुना है. यस व्यूअर्स, इनको सच में ऐसा लगता है कि अनकंडीशनल लव आपके लिए रियलाइज हुआ है. दे आर मैडली इन लव विद यू. एस ऑफ कप्स का कार्ड यू ही नहीं आता. दे एक्चुअली लव यू अलॉट. एक इमेंस रिस्पेक्ट, इमेंस लव यहाँ नजर आ रहा है. सिर्फ अनकंडीशनल प्यार नहीं है, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट भी यहाँ पे है. ये इंसान व्यूवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, टूट के आपको चाहते हैं ऐसा लगता है. और ये बात इनको अपने प्यार के बारे में देर सवेर समझ में आई है, लेकिन समझ में आ गई है. देख लीजिए ये कार्ड यहाँ फिर से अनफोल्ड हुआ. ये भी कार्ड रिन्यूअल का है समवेयर, ये भी कार्ड एक न्यू बिगिनिंग का है. दोनों कार्ड्स यहाँ पर ऐसे आए हैं जो दर्शा रहे हैं कि पास्ट का सारा कुछ भूल के, सब कुछ रिलीज करके या फगिव करके, लेट गो करके, एक नई जर्नी, एक नया सफ़र, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ वो करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं. अगर हम जोडियक साइंस की बात करें यहाँ पे, तो जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये जोडियक साइंस यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इन्हें प्यार तो था, लेकिन क्योंकि आप भी इनसे बहुत प्यार कर रहे थे, इसीलिए ये कभी अपने प्यार को ना शो नहीं कर रहे थे, कभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या कभी उसे रियलाइज भी नहीं कर रहे थे. क्योंकि आप उनके लिए हमेशा एफर्ट ले रहे थे, आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल थे, लेकिन जो लोगों ने, दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आप इनसे दूर हुए, तो इनके फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ ऐसा कह सकते हैं. और उस ट्रिगर की वजह से उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई, अपना प्यार भी रियलाइज हो गया कि कोई टेम्परेरी या फिर कोई ऐसा ही कैजुअल नहीं है, ये सच में जेन्युइन लव है. दे हैव रियलाइज्ड इट. आगे और देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पर कि इनकी फीलिंग्स में और क्या चेंज आया है आपको लेकर. वेट अ सेकेंड. कुछ लोगों के लिए मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि व्यूअर्स ये आपको स्टॉक कर रहे हैं. दे आर लुकिंग एट यू फ्रॉम फार अवे, कहीं दूर से आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं ऐसा लगता है. कंप्लीशन का कार्ड है. मुझे लगता है व्यूअर्स के जो हुआ सो हुआ, अब वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक होना चाहते हैं. ये उनकी फीलिंग्स में एक चेंज आया है, उनकी ये एक डिज़ायर में भी चेंज आया है. पहले वो जिस चीज़ से भाग रहे थे, अब वो आपके साथ ही अपनी लाइफ कंप्लीट समझते हैं और आपके साथ ही यूनियन चाहते हैं. दिस पर्सन वॉन्ट्स कंप्लीशन. यस, मैंने अभी कहा ही आपको स्टॉक कर रहे हैं. ना अगेन से दैट, ये कहीं ना कहीं आपके बारे में इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस. प्यार तो करते ही हैं, इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज दे आर मैडली इन लव विद यू. लेकिन साथ ही साथ वो क्यूरियस हैं ये जानने देखने के लिए कि व्यूअर्स आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो. छुप छुप के नज़र रखी जा रही है आप पर. बहुत फेथ है उनका यूनिवर्स पे, भगवान पे उनका बहुत फेथ है कि उन्हें सेकंड चांस मिलेगा, सारी चीज़ें ठीक करने का उनको एक मौका मिलेगा. और उनकी विश, यानी कि अगर उनकी इच्छा जो है वो सच में सही है, यानी कि कुछ गलत नहीं मांग रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे, तो सच में उनकी इच्छा पूरी होगी, उन्हें इस बात का विश्वास भी है. तो उनको भगवान पे बहुत विश्वास है, यूनिवर्स पे बहुत फेथ है. आई नीड वन कार्ड, नॉट टू. व्यूअर्स, ये सच में एक टेंशन में है, स्ट्रेस में है, पेन में है, और उस पेन को दबा रहे हैं. दे आर नॉट लेटिंग इट आउट, मतलब उसे बाहर रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसे अंदर दबा रहे हैं.
बहुत सारी बातें इसमें आपके लिए हैं कि अनकंडीशनल प्यार है, आपको कहीं दूर सबकी नज़रों से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव इन्वायरमेंट से जैसे कहीं दूर ले जाने की इच्छा है उनकी, जहाँ पर कोई बुरी नज़र ना लगाए, कोई जेलस होकर कोई नेगेटिव एक्शन ना ले, अगेंस्ट ना जाए, प्रेशराइज ना करे, रिस्ट्रिक्ट ना करे, तो कहीं दूर आपको ले जाने की जैसे उनकी इच्छा है। तो बहुत सारी इच्छाएँ हैं और बहुत सारा पेन भी है, बहुत सारी बातें भी हैं दिल में, लेकिन वो सब कुछ सप्रेस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर दबा रहे हैं। तो उनकी फीलिंग्स में चेंज आया है व्यूअर्स, एब्सोल्युटली चेंज आया है, और लोगों के असली चेहरे भी सामने आए हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करने की इच्छा है जहां वो आपको सबसे दूर रखना चाहते हैं, ओके। और जो भी सिचुएशन थी वो सेकेंड सिचुएशन उनके दिल ने तो आपको ही चुना है। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर ये आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल थी। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।